नए साल की पहली स्वेर मुबारक हो। दोनों ही वैसे, और आपको भी। वैसे मुझे न्यू ईयर पार्टी से भी ज्यादा अच्छी न्यू ईयर की सुबह लगती है। ऐसे लगता है बड़ी एक नई सी शुरुआत हुई है। मैं जी, अगर मेरा बस चले ना तो मैं ऐसा कैलेंडर डिजाइन करूं जिसमें हर दिन फर्स्ट जनवरी। वेल, फर्स्ट जनवरी तो एक और रीजन से स्पेशल होता है। किस वजह से? बताइए बताइए। रेजोल्यूशन की वजह से। मम्मा, रेजोल्यूशन क्या होता है? वेल, रेजोल्यूशन होता है जो हम अपने आप से प्रॉमिस करते हैं कि पूरे साल हम ऐसा करेंगे या नहीं करेंगे। पर हम समझ गया मैं मम्मा, आपका न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या है? वेल, मेरा एक ही रेजोल्यूशन है कि मैं अपने दोनों बच्चों के साथ रहूं, उन्हें कभी अपने आप से दूर नहीं करूंगी और एकदम ऐसे चिपका के पास रखूंगी। और मेरे करण पुत्र ने रेजोल्यूशन लिया है कि मैं इस साल रोई रोई कम करूंगा और हैप्पी हैप्पी ज्यादा रहूंगा। परम ने भी अपने 2-3 रेजोल्यूशन मनाया। अच्छा जी, बताओ। 1, परम अपना मिल्क कभी भी वॉश बेसिन में नहीं फेंकेगा। 2, कभी कभी अपना बचावा मिल्क लास्ट सिप वॉश बेसिन में फेंक देता था। सॉरी। परम, अब परम ऐसा कभी नहीं करेगा। गुड। 2, परम अपनी मैड मम्मा की हर बात मानेगा। बिल्कुल गुड। एंड 3, परम रोज नाई नाई करके बाबा जी को माता टेकेगा। वाह भाई वाह, साडा पुत्र तो बड़ा बड़ा हो गया है ना। पापा, अब आपकी बारी। वेल, मेरा न्यू ईयर रेजोल्यूशन है कोई भी नहीं है, क्योंकि न्यू ईयर रेजोल्यूशन उनके होते हैं जिन्हें अपने में कुछ इम्प्रूवमेंट लाना होता है, लेकिन जट तो ऑलरेडी परफेक्ट है, इसलिए इम्प्रूवमेंट भी कोई लोड नहीं। ऐसा है जट, मैं कर देने ने तड़े सारे वर्ड। न्यू ईयर रेजोल्यूशन तो बनेंगे, मैं बताऊंगी कि आपके न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या होंगे। मम्मा, एक मिनट, पेन पेन और कॉपी लेके आता है। ये लो, लिखिए। रेजोल्यूशन नंबर 1, मैं सरबजीत सिंह गिल गीला टॉवल बेड पे नहीं फेंकूंगा। लिख लिया। रेजोल्यूशन नंबर 2, मैं सरबजीत सिंह गिल फोन को चार्जर पे लगा के यूज नहीं करूंगा। रेजोल्यूशन नंबर 3, मैं सरबजीत सिंह गिल गाड़ी चलाते वक्त अपनी वोटी को नहीं घूरूंगा। घूरता नहीं मैं जी, मैं तो बस आपको निहारता हूँ। निहारने की भी कोई जरूरत नहीं, लिखिए। नॉट पॉसिबल मैं जी, क्योंकि आपको निहारे बिना से गाड़ी नहीं चलती है। ऐसा है सरदार जी, किसी दिन गाड़ी वाड़ी ठुक गई ना तो ये निहारना न होना ना सब निकल जाना, लिखिए। नो पापा, लिखो ना। ओके, लिख लिया बस। रेजोल्यूशन नंबर 4, मैं सरबजीत सिंह गिल एसी 18 पे नहीं चलाऊंगा। एसी तो 18 पे ही चलेगा। 25, 18, 25, 18, 25। ओफो, मम्मा पापा डोंट फाइट। नानी कहती है साल के पहले जो करो वो ही आपको पूरा साल करना पड़ता है। ओए यूवी, ओए मेरे पुतले। ये? इसमें क्या है? इसमें कार एल। दादी, इतनी बड़ी कार, वंडरफुल जी, वंडरफुल। मम्मी जी, मेरा न्यू ईयर गिफ्ट। ओ, मेरी नानी कहती है साल के पहले दिन जो किता वो ही पूरा साल करना पड़ेगा, इसीलिए मैं साल के पहले दिन जो मैं कहूंगी वो तुम लोगों को करना पड़ेगा।
ये ले तेरी सलवार, इसमें नारा डाल, फिर बताती हूँ न्यू ईयर गिफ्ट क्या है। आ ले तू, तू भी पाना। अगर ये बात है मम्मी जी, तो साल के पहले दिन मैं आप पे काफी भारी पड़ूंगी। अब खां हल्ले करके बात कर, मुझे नहीं आता कोई सलवार में नाड़ा वाड़ा डालना। ओ, कूरना चाहती है, चल देखूर। अगर मेरे से पहले तूने पलके झपकी तो तुझे इस सलवार में नाड़ा डालना पड़ेगा, बोल मंजूर है? मंजूर। ओ आवेख, ओ कुलवंत कौर ना कभी हारी है और ना कभी हारेगी। फिर तू किस खेत की हथनी है? ओफ, मेरा मतबल है मूली है। जैसे अभी आंखें नीचे की ना, वैसे पूरा साल करियो। अब डाल सलवार में नाड़ा और तब मिलेगा न्यू ईयर गिफ्ट। मेरा न्यू ईयर का रेजोल्यूशन नंबर 4, मैं एसी 25 पे ही चलाऊंगा। रेजोल्यूशन नंबर 5, मैं सरबजीत सिंह गिल अपनी बोटी मेहर कौर गिल को पिछले साल से भी ज्यादा प्यार करूंगा। रेजोल्यूशन नंबर 6, मैं अपनी बांदरी को हमेशा खुश रखूंगा। एंड रेजोल्यूशन नंबर 7, जब भी मेरी बोटी मुझे जमाल खोटा पिलाएगी तो मैं हंसते हंसते पी जाऊंगा। एंड रेजोल्यूशन नंबर 8, जब भी मेरी बोटी मुझे चट इन टॉयलेट करेगी तो भी मैं बुरा नहीं मानूंगा। ओके पापा, मैं मम्मा कभी नहीं मानने वाली। रेजोल्यूशन नंबर 9, जब भी मेरी बोटी रूठेगी तो मैं उसे प्यार से गाना गा के मनाऊंगा। परम परम परम, मेरी गलत सुनो बेटा, परम परम। वैसे मेहर जी, परम की नानी एकदम सही कहती है कि इंसान साल के पहले दिन जो करता है ना, पूरा साल वो वही करता रहता है। तो इस हिसाब से तो मैं पूरा साल आपको पपियां पपियां और चप्पियां चप्पियां देता रहूंगा। चलिए। की होया मतलब? आप ही ने तो कहा सलवार में नाड़ा डालने को। खोती है, और मैंने तेरे को बोला था सलवार में नाड़ा डालने के लिए, सलवार फाड़ने नहीं। अब इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने अमृता पापी को देखा, वो टूथब्रश से नाड़ा डाल रही थी, तो मैंने भी अपना दिमाग लगाया, मैंने इससे नाड़ा डाल दिया। मुझे क्या पता था सलवार फट जाएगी। एनीवेज, आपने जो कहा मैंने वो किया, अब दो मेरा न्यू ईयर गिफ्ट। वाह जी, ओ वंडरफुल जी, वंडरफुल। ओ ये तुम दोनों के लिए थी सलवार सूट गिफ्ट, जो मैंने खास बनाई थी तुम लोगों के लिए। तूने सलवार फाड़ दी, देखो कमीज से गुजारा कर ले। थैंक यू, हैप्पी न्यू ईयर। ओए चाची, दादी से पंगा लेना बेकार है, बंदी की हालत खराब कर कर छोड़ती है दादी। मैं मम्मा ये देखो, परम को हेलीन बुआ ने इतना प्यारा टब गिफ्ट किया है। मेरी चाचा, कम दी, मैं पहले से ही परम की टीवी से परेशान हूँ, अब अगर ये टैब से खेलेगा तो पूरा दिन उसी में ही घुसा रहेगा। परम की कोई एज थोड़ी ना टैब से खेलने की। नो मैन मम्मा, परम बिग बॉय हो गया। और क्या, और आजकल तो सब बच्चे ऐसे ही गैजेट्स के साथ खेलते हैं। नहीं दी प्लीज, परम नहीं खेलेगा। परम पुत्र, आप ये प्लीज बुआ को वापस करो, मेहर मम्मा आपके लिए पजल्स और टॉयज लेकर आएंगी। ओके नो, परम को टैब ही चाहिए। इट्स ओके मेहर, तुम प्रिंसिपल मत बनो इसकी। परम को जो अच्छा लगेगा मैं उसे ला कर दूंगी। रहने दो ना टैब उसके पास। तुम्हें याद नहीं
कल पार्टी में एक वीडियो कॉल करने के लिए सबसे फोन मांगता फिर रहा था हमारा बच्चा। हाँ दी, लेकिन और एक बात बताओ, रॉयल फैमिली के बच्चे ऐसे एक्सपेंसिव गैजेट्स के साथ नहीं खेलेंगे तो कौन खेलेगा? परमपुत्र जी जाओ, आप जाकर खेली खेली करो। सरब जी, आपको नहीं लगता कि टैब जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को यूज करने के लिए परम अभी बहुत छोटा है? मेहर तुम टेंशन बिल्कुल मत लो, प्लीज। बुआ हूँ मैं उसकी, परम बच्चा है मेरा, क्या मेरा इतना भी हक नहीं बनता उस पे? और तुम्हें क्या लगता है मुझे परम के अच्छे बुरे की फिक्र नहीं है? ऐसा नहीं है दीप। डोंट वरी मेहर जी, देखिए बच्चे ऐसी नई चीज देख के अक्सर एक्साइटेड हो जाते हैं, थोड़े दिन बाद बोर होके थक के रख दे। मेहर मैम, आपने बोला था गजरेला लाल हो जाए तो बताऊं आपको। हाँ चलिए जी। तबीयत ठीक नहीं है इनकी, बीपी इज वेरी लो, आयरन की कमी लग रही है मुझे, प्रॉपर डाइट नहीं लेती हैं ये। डॉक्टर वैसे तो प्रॉपर डाइट लेती है लेकिन पिछले कुछ दिनों से घर का खाना ठीक से नहीं खाया। मैं दवाई लिख के देती हूँ, ये गोली दिन में एक बार लेनी है, ये दिन में दो बार, ये रात को लेनी है और ये सिरप दिन में तीन बार। थैंक यू डॉक्टर। Don't worry, everything will be all right. लेकिन ये खिचड़ी तो थोड़ी सी है, हम सब मिलकर कैसे खाएंगे? मैं तो पेट भर के खा ली। My God. सरब जी, क्या हुआ है आपको? सॉरी मेहर जी, सब मेरी गलती है, आज आपकी हालत मेरी वजह से हुई है। ऐसा नहीं है सरब जी, आप ऐसे खुद को दोष क्यों दे रहे हैं? कैसे दोष ना दूं मेहर जी, आज मुझे लग रहा है कि किस्मत के उस इम्तिहान में मैं कहीं ना कहीं फेल हो गया हूं। मैं जानता हूं कि हम सबका पेट भरने के लिए आपने सबसे कम खाना खाया वहां पर। नहीं मेहर जी, ये सब मेरी गलती है, मुझे उसी दिन समझ जाना चाहिए था, लेकिन मैं सुबह से शाम तक आप एक पैर पे खड़ी होकर इतनी मेहनत करती रही, कभी झाड़ू पोछा लगाकर, कभी पानी की बाल्टियां भरकर। सरब जी प्लीज, आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? सबका ख्याल रखते रखते आज आपकी खुद ही हालत हो गई है, खुद से बीमार पड़ गई है और ये सब मेरी वजह से हुआ। मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। छट्टी हूँ, दो मिनट में शूटाक खड़ी हो जाऊंगी। जब तक आप पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती, आप इस बेड से हिलेंगी नहीं। मैं आपके लिए यहाँ पे बेड लगवा रहा हूँ, जब भी आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो आपको बस उस बैल को बचाना है, समझी आप? मम्मा क्या हुआ, आपको उई हो गई? परमपुत्र जी चलो हम लोग बाहर चले, मेहर मम्मा को रेस्ट करने दो। मेहर तुम जितना ज्यादा रेस्ट करोगी तुम उतनी जल्दी ठीक भी हो जाओगी। लेट्स गो परमपुत्र जी। परमपुत्र, हाफ एन आवर में आपकी ट्यूशन है, प्लीज भूलना मत। ओके। मेहर छोड़ो ना ये सब कुछ, मैं देख लूंगी। हाँ तुम बस रेस्ट करो, राइट? चले परमपुत्र। सरबजी जी, परम की पढ़ाई को लेकर मैं काफी टेंस्ड हूँ, पिछले दिनों बहुत सारी क्लासेस मिस हुई हैं उसकी। आई जस्ट होप परम अब मन लगा के अच्छे से पढ़े। Thank you for gift.
ओ नो। क्यों है परम पुत्र? ट्यूशन टाइम हुआ, परम का स्टडी करने का बिल्कुल भी मन नहीं है। परम आज ट्यूशन स्किप कर दे प्लीज 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 हुआ प्लीज प्लीज। डोंट वरी हुआ है ना? थैंक यू हुआ, आई लव यू। ये हैं अकाउंटेंट नहीं मिल रहा? एक हफ्ता हो गया तुम लोगों से एक अकाउंटेंट नहीं ढूंढा जा रहा और नवा साल शुरू हो गया, मुझे बिजनेस करना है, हुड़ कैसे करूंगा? वो क्लाइंट को जो लेजर शीट भेजनी थी ना, वो आज रात को भेजनी है, कैसे? ये किसने? मैंने। आप बेसिक्स तो क्लियर हैं, अगर आप इसी काम को आप मुझे थोड़ा समझा दोगे ना तो शायद मैं इसको और अच्छे से कर लूंगा। मिस्टर ढिल्लो, ये है मेरा रेज्यूमे। क्या मुझे आपकी युवराज ट्रांसपोर्ट में अकाउंट्स की जॉब मिलेगी? उनकी माँ ने उन्हें जन्म दिया, पढ़ाया लिखाया, काबिल बनाया। आज अगर पापी अपनी माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहती है तो इसमें क्या गलत है? और वैसे भी भेज, अगर आप पापी को ये करने दोगे ना तो उनके मन को शांति मिलेगी। तो मिसेज अमृता ढिल्लो कितनी सैलरी लेंगी आप? अब मैं भी चाय लेके आ। टिंग टोंग। सो हियर यू गो। हेलो मैसी, सैलेड टाइम। सरबजी जी, ये सब अभी थोड़ी देर पहले ही तो सूखती है। थोड़ी देर पहले नहीं, उस बात को आधा घंटा हो चुका है। लेकिन सरबजी जी, चुपचाप ये खाइए, उसके बाद आपको मेडिसिन भी खानी है। ले लीजिए, ले लीजिए। महर जी, ये मैंने खुद खड़े होके बनवाया है, मल्टी विटामिंस, स्वाद और सरदार जी के प्यार से भरपूर। मुझे नहीं पता था कि मैं जरा सा बीमार हो जाऊंगी और मेरी सरदार जी मेरी इतनी सेवा करेंगे। अगर मैं कभी ज्यादा बीमार हो गई तो आप तो खबरदार महर जी, अगर गलती से भी आपके मुंह से ऐसी बात दोबारा निकली तो बीमार हो आपके दुश्मन, रब करे आपकी सारी मुश्किलें मुझे मिल जाए। खबरदार ऐसे फिर से कहता हूँ, रब करे आपको कभी कुछ ना। जल्दी से खाइए, अब ये जैसे ही सैलेड खत्म होगा उसके बाद मेडिसिन एंड देन नीनी टाइम। ओके थैंक यू। सरबजी जी, वो परम, परम ने खाना खाया क्या? वो है किधर? जी वो दी के पास है। दी ने कहा है जब तक आप ठीक नहीं हो जाती तब तक वही उसका ख्याल रखें। परम पुत्र जी, आपको किंग साइज बर्गर भी बहुत अच्छा लगता है ना? बहुत अच्छा। यू आर हैप्पी ना? वेरी हैप्पी। बुआ पैम को आज ऐसा लग रहा है पैम का हैप्पी बर्थडे है। चलो बुआ फ्रेंच फ्राइज नहीं मंगवाए? सॉरी पुत्र जी, पहले आप ये बर्गर फिनिश करो उसके बाद फ्रेंच फ्राइज। ट्यूशन टीचर का फोन। हेलो महर जी, मैंने बस ये पूछने के लिए फोन किया था कि कल परम क्लास अटेंड करेगा ना? क्यों मैम, मैं समझी नहीं। नहीं, आज उसने ट्यूशन स्किप की है तो मैंने सोचा कि आपसे पूछ लूं। परम ने ट्यूशन स्किप करी है? नहीं मैम, मैंने परम को खुद याद कराया था कि उसकी ट्यूशन है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि परम ट्यूशन मिस करे। आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई होगी, आपने ध्यान नहीं दिया होगा। नो महर जी, आज परम ने क्लास अटेंड नहीं की। इनफैक्ट मैंने उसको फोन भी किया था क्लास से पहले, लेकिन उसने कहा आज वो घर पर है नहीं, इसलिए वो क्लास अटेंड नहीं कर पाएगा। ठीक है मैम, मैं देखती हूँ, मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करती हूँ। ये क्या तरीका है